हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा क्लास 9 का साइंस 1 का पहला चैप्टर जो था लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों लॉज ऑफ मोशन में इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने पढ़ाना चालू किया है। दोस्तों ये जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज दोस्तों आप जाके वीडियो देखिए, नहीं तो आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं इसी चैप्टर का जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखना, द पॉइंट, दो पॉइंट होते हैं, जैसा एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो उसके बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस किसे कहें तो हमेशा याद रखना कि जो दो पॉइंट होता है उसके बीच का जो लेंथ होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यूनिट के टू मेथड्स होते हैं, पहला होता है MKS, दूसरा होता है CGS। तो इसी प्रकार डिस्टेंस का एक MKS यूनिट होता है, जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और CGS में डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल डी से। अब ये टॉपिक कवर अप हुआ, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक लेंगे जो होता है स्पीड। दोस्तों स्पीड होता क्या है, तो स्पीड का सबसे पहला मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं जो ये है। दोस्तों स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन बोलना है तो आप डेफिनेशन कैसे बोलोगे, तो हमेशा याद रखना नीचे वाली सेटिंग ऊपर वाली के साथ बोलना कैसा है, कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, जो अपॉन का साइन यहां पे देख रहे हो वो होता है अपॉन का, पर बोलते उसको, तो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम उसे हम कहते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। दोस्तों बताना चाहता हूँ स्पीड के बारे में, तो आप लोग जानते हो कि हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, अपनी जो रफ्तार है वो बढ़ाते हैं उसे स्पीड कहते हैं। अगर एग्जाम में आया तो बोलना कैसे है, तो बोलना है आपको डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि स्पीड का जो MKS यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस जो होता था वो मीटर में या सेंटीमीटर में, और अपॉन मतलब पर होता है और टाइम पर सेकेंड। तो इस प्रकार MKS यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड और CGS का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये होने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक, इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे लेकिन हमारे आगे के लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक टर्म्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाते हैं ऐसे। एक बात और, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही होते हैं लगभग, बस एक चीज का फर्क है, वो है उसकी क्वांटिटी। अब बोलोगे सर क्वांटिटी मतलब होता क्या है, दोस्तों बताना चाहता हूं कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। दोस्तों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा याद रखना, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, उसका अमाउंट होता है। बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी याद रखना उसमें डायरेक्शन भी होता है और साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका अमाउंट भी होता है। मैं बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की जो टोटली सेम है, डिस्टेंस जैसा ही होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं ऐसे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सही बात है, जो पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे आके हम खत्म करते हैं उसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। हमेशा याद रखना जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म करते हैं उसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो जो अगर हम लोग कोई जो बॉडी है, बॉडी माने होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जितना भी वो ट्रेवल करती है, मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बट इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कवर करती है एरिया, जो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या बोलना है आपको, आपको बोलना है अ बॉडी कवर्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट,
और डेस्टिनेशन पॉइंट आप बोल सकते हैं इन अ फिक्स डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ फिक्स डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा वापस से रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बोलना पॉसिबल नहीं होता, जिससे वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। तभी मैं एक फटाक से शॉर्ट रिवीजन आपको फटाक से आपके लिए दे देना चाहता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस दोस्तों बताना चाहता हूँ एम के से होता है मीटर, सी से होता है सेंटीमीटर। बाद में हमने स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों दिखाते हैं ऐसे और स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डी से। इस बात को जरूर याद रखना दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अ डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या अब बोलेंगे बॉडी कवर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ फिक्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता बस मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो होता ही है साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, अ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। स्पीड की एम के यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सी से यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट की सेम एक जो है यूनिट है एमकेएस में वो होता है मीटर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आता होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे पर्सनल ग्रुप में मुझे कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।